बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट केस में अफजाल की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक के साथ साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। देखिए रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और लोकसभा सांसद रहे अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें मिली 4 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। गाजीपुर की MPMLA कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाई है बल्कि गाजीपुर सीट पर उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है। ये बता दें आपको कि अफजाल अंसारी को 2007 के एक मामले में गाजीपुर की MPMLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया था। इसी साल 29 अप्रैल को उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अफजाल अंसारी की जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये कहा है कि वो 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला दें। गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा पाने वाले अफजाल अंसारी, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के लिए राहत की खबर है। कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। इससे अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। हालांकि उन्हें सदन में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में अब सांसद अफजाल अंसारी भी अपनी जोर आजमाइश कर सकेंगे। अफजाल अंसारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी ने की। पहले इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाई कोर्ट को अगले साल जून तक फैसला सुनाने को कहा। कोर्ट ने उपचुनाव पर भी रोक लगाई। इससे साफ है कि अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है। हालांकि अदालत ने ये शर्त रखी है कि वोट नहीं डाल सकेंगे और सांसद के तौर पर भत्ते भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन उन्हें सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की परमिशन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।